आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। बच्चों की कहा सुनी होने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, खुलकर चले धारदार हथियार, दो लोग गंभीर रूप से घायल। सिंभावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सेना में बच्चों की आपसी कहा सुनी में घात लगाकर बैठे लोगों ने किया जानलेवा हमला। गौरतलब रहे कि सिंभावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सेना में दिन में बच्चों की आपस में हुई कहा सुनी को लेकर मोहसिन पुत्र यूसुफ सुल्तान पुत्र नवाब चाकू से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सर में उपचार के लिए भेजा। वहीं घायल के पिता यूसुफ ने बताया कि दिन में बच्चों की आपसी कहा सुनी हो गई थी, जिसको लेकर मामला शांत हो गया था, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग बदला लेने के लिए पहले से घात लगाए बैठे थे। खेत से काम कर लौट रहे दोनों युवकों पर चाकू से प्रहार करते हुए जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते दोनों घायलों को लेकर पीड़ित परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहीं थाना प्रभारी राजीव बलियान का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जा रही है। आलम टाइगर के साथ हाशिम अली की रिपोर्ट। Right now, and press the bell icon. Never miss an update.